लेकर बबर ऋषि के मोड़ से लेकर नीचे तक। ठीक हो भाई, अच्छे से हो, पहचाना? क्या ए गाइस, ये हूँ मैं और हमारे पीछे कुछ हमारे साथ जो है फ्रेंड्स वगैरह भी आए हैं। तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत अस्तान शरीफ बाबा ऋषि का, ये देखिए थोड़ा जूम करके आपको दिखा। तू मेरी फैन है क्या, लगती है तू मेरी? वेलकम गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो एक बार फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है ग्रीन माइंड्स व्लॉग्स। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं टंगमर्ग में, टंगमर्ग के साथ साथ बाबा ऋषि का व्लॉग भी हम शूट करेंगे और साथ ही साथ में टंगमर्ग का अगर द्रंग हम गए तो वहाँ का व्लॉग भी शूट करेंगे। और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम, क्योंकि रास्ते में ना बहुत ज़्यादा जाम भी था। मेरे साथ कुछ जो है वहाँ पर एक थोड़ा बहुत बुक मुझे आया और मैं उनके साथ जो है यहाँ पर टंगमर्ग में आ गया। फिलहाल हम टंगमर्ग में हैं, यहाँ का व्लॉग आपको शूट करके दिखाएंगे, उसके बाद हम बाबा ऋषि की तरफ निकलेंगे और रास्ते में जो है जाम वगैरह लगा है वो सब आपको जो है एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम टंगमर्ग में हैं तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दें और साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दें ताकि आइंदा हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस ये है टंगमर्ग का पार्क, ये आप देखिए यहाँ पे इस टाइम कितनी ज़्यादा जो है भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं। ईद का आज तीसरा दिन है तो ईद के तीसरे दिन भी यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए आप टंगमर्ग की पार्क है ये यहाँ पे, और इस साइड में ये टंगमर्ग का मार्केट अंदर की तरफ, और ये ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भी है यहाँ पे। पार्क के अंदर है हम इस टाइम, टंगमर्ग की पार्क के अंदर। तो हमारे साथ कुछ फ्रेंड थे हमारे, वो अभी पता नहीं फिलहाल कहाँ है। फिलहाल हम अब टंगमर्ग के अंदर पार्क में ये पूरा जो है आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे हम। इसके बाद हम बाबा ऋषि की तरफ निकलेंगे और साथ ही साथ में जो है हम बीच में जाम वगैरह जो लगा है बहुत सारे, ये कुछ हमारे साथ आए हैं ये लेडीज़ लड़कियाँ वगैरह जो है हमारे साथ आई हैं, इनको दूर से शूट करके दिखाता हूँ मैं आपको ये यहाँ पर। और ये जो है पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा का पूरा एरिया पार्क का जो है भरा हुआ है, इतनी ज़्यादा जामिंग है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा जमलिंग है यहाँ पे। तो गाइस ये था कुछ अंदर का टंगमर्ग के पार्क के अंदर का व्लॉग। टंग देखिए गाइस आप कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चा लोग यहाँ पे। देखिए गाइस आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सभी हैं हम टंगमर्ग पार्क के अंदर। ये देखो मैंने क्या अपनी हालत कर रखी है, किस तरह का फेस है मेरा, किस तरह से जो है अपना फेस बना रखा है अपना। और अभी हम इसको उतारेंगे मास्क को, ये देखिए आप। ए गाइस ये हूँ मैं और हमारे पीछे कुछ हमारे साथ जो है फ्रेंड वगैरह भी आए हुए हैं। और बताओ कुछ ऑडियंस को बताना चाहोगे? और ये दूसरा कैमरा मैन हमारा यहीं पे उठाए नहीं। चलो अभी मैं जो है अपनी प्यारी सी छोटी सी साली के साथ जो है पिक्स उठाने जा रहा हूँ। हम चल रहे हैं वहाँ थोड़ा आगे तक, वहाँ पे हम जो है पिक्स उठाएंगे। गाइज हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मेरे साथ जो है कुछ बंदे भी आए हुए हैं, वो भी उस साइड में जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अभी हम पहले सबसे पहले इंशा के साथ जो है, इंशा ने बताया कि मेरे साथ पिक्स ले लो, तो इसके साथ थोड़ी बहुत पिक्स ले लेते हैं हम। मैं देखते हैं हम क्या हो गया, सारे लोग जो है इकट्ठा जमा हो गए। खबर पूछो आज तो छिपा कहाँ हुआ, देखते हैं गाइज यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे वाले साइड में सीआरपीएफ के बंदे थे, पुलिस के बंदे, तो उनको देख कर जो यहाँ पे हूटिंग कर हो रही थी, तो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पीएसए भी लग सकता है इसके तहत। तो आज एंजॉय कर रहे हैं लोग, तो एंजॉय कर रहे हो अगर तो एंजॉय करने के लिए आओ, ये भी हमारी केयर कर रहे हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये जो यहाँ पे हैं। तो इस तरह की ये गलत बात है, इस तरह से ये करना, हूटिंग करना और ज़्यादा शोर मचाना, ये बिल्कुल गलत बात है। गाइस फिलहाल हम भी पार्क के अंदर ये कर रहे हैं एंजॉय। हमने जो है टंगमर्ग की पार्क अंदर से एक्सप्लोर करके दिखाया, अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर क्योंकि यहाँ पे लड़कों ने जो है बहुत ज़्यादा शोर मचाया और जिस पे हम डर गए। टंगमर्ग के पार्क में चलिए आप निकलते हैं हम यहाँ से बाहर, थोड़ा बहुत आपको शूट करके दिखाते हैं। रोड पे हम बाहर निकल आए हैं हाईवे पे और गाने जो है दबा के चल रहे हैं गाड़ी में। चलिए गाइस आपको आगे का शूट करके दिखाते हैं, निकल रहे हैं बाबा ऋषि की तरफ।
तकरीबन एक दो घंटे से हम जो है जाम में फंसे हुए हैं। बराबर आप मान के चलिए कि बाबरशी से लेकर पूरा टंगमर्ग तक जो है पूरा रोड ब्लॉक है। अभी आपको मैं एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ पूरा बैक कैमरे के साथ। सबसे पहले हम मास्क पहन लेते हैं, मास्क पहन के कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है। मास्क पहले हम लगा लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, बन गया मैं मास्क मैन। अभी दिखाता हूँ मैं आपको आगे पूरा जो है एक्सप्लोर करके कि किस तरह का जो है जाम लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए गाइस कितना ज़्यादा जाम है, पूरा रोड जो है आज ब्लॉक है, पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। सलाम अलैकुम, ठीक हो भाई, अच्छे से हो, कैसे हो ना? ये यहाँ पे देखिए आप। तो गाइज इस तरह का कुछ जाम लगा हुआ है बाबा ऋषि में। ये देखिए आप गाइज, बिल्कुल ऊपर से लेकर बाबा ऋषि के मोड़ से लेकर नीचे तक, और गाड़ी हमने बहुत नीचे खड़ी की है, बहुत तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर नीचे हम गाड़ी जो है छोड़ के आए हैं। और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से जाम लगा हुआ है, कितना ज़्यादा जाम है, फिर जाम यहाँ पे। चलिए गाइज हमने जाम वाम आपको दिखाया, अब हम चलते हैं बाबा ऋषि मार्केट के अंदर और करते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत वीडियो को एक्सप्लोर। कैसा लग रहा हूँ गाइज मास्क में? वीडियो तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया नीचे जाम वगैरह का, चलते हैं हम ऊपर। सबसे पहले आप बताइए मास्क में कैसा लग रहा हूँ? एकदम मस्त, बिल्कुल नहीं गाइज मास्क अच्छा नहीं लग रहा है, मास्क नीचे ही उतारना पड़ेगा। चलिए हम मास्क उतारते हैं नीचे, पसीना बहुत ज़्यादा आ गया। चलिए चलते हैं हम ऊपर मार्केट की तरफ, थोड़ा बहुत करते हैं मार्केट को एक्सप्लोर। तो गाइस इन सीढ़ियों से हम जो है चढ़ के आए, ये सीढ़ियाँ हमने तय की, और यहाँ से रोड आपको थोड़ा सा नज़र आता होगा। गाड़ी बिल्कुल हमने बहुत नीचे लगाई है, बहुत ज़्यादा नीचे, और इन सीढ़ियों से हमने जो है चढ़ के आए। माशाल्लाह ये देखिए हलवा पराठा वगैरह रोटी वगैरह किस तरह से यहाँ पर जो है, और कितनी ज़्यादा भीड़ भी है, कितनी ज़्यादा जाम भी है। इस साइड का मार्केट बाबा ऋषि का। और ये साइड अंदर देखिए आप गाइस कितना ज़्यादा जाम है यहाँ, पब्लिक क्रश। ये यहाँ का मार्केट, चलिए अब चलते हैं हम दूसरे मार्केट में और करते हैं थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लोर। बहुत बढ़िया मार्केट गाइस, गोल मार्केट, और बहुत खूबसूरत मार्केट भी है यहाँ। शॉप इश्तियाक भाई की सामने ही है, बिल्कुल शिरपुरा के हैं ये, अपने इश्फाक भाई के भाई हैं, और ये हमारे दूसरे भाई। ये यहाँ पे इश्तियाक भाई, ये क्या आपके लगते हैं? कज़न है। अच्छा कज़न, अपने मान लो भाई ही अपना। तो ये यहाँ पे जो है इश्तियाक भाई की शॉप बिल्कुल कॉर्नर पे, आप बाबा ऋषि में जब भी आएँ तो यहाँ पे जो है हर चीज़ जो है, हर बच्चों के लिए खेलने से लेकर औरतों की, लेडीज़, हर चीज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे जो है विज़िट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी चीज़ जो है इश्तियाक भाई से आप ले सकते हैं। तो कोई चीज़ मतलब क्या, हाँ कोई चीज़ मतलब सब कुछ, मतलब कोई चीज़ आपको समझ आ गया होगा, मतलब खिलौने लेने होंगे और कुछ। तो ये यहाँ पे है भाई की शॉप, तो ये भी आपको हमने एक्सप्लोर करके दिखाई। अभी हम ऊपर चलते हैं, थोड़ा बहुत आसान शरीफ को एक्सप्लोर करते हैं। माशाअल्लाह गाइस, जामिया मस्जिद शरीफ हज़रत पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह बाबा ऋषि में जो है ये जामिया मस्जिद शरीफ है। और ये देखिए आप कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी है, सामने ये पार्किंग प्लॉट और नीचे बिल्कुल ये अस्तान शरीफ हज़रत बाबा सैयद पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह का। माशाअल्लाह कितना खूबसूरत अस्तान शरीफ बाबा ऋषि का। ये देखिए थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ 2x में, और चलो 3x कर देते हैं। हज़रत पयामू
दीन रशी रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा शरीफ। अभी हमने परमिशन मांगने की बहुत कोशिश की थी लेकिन अशरफ साहब यहाँ पे नहीं है, कोई अशरफ साहब इनके हेड हैं। तो अभी मैं हम एक बंदे के पास गए थे, उन्होंने हमें बताया, तो गाइज़ उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे कोई अशरफ साहब हैं और उनसे आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आपको जो है अस्तान शरीफ के अंदर जो है अलाउ किया जाएगा। लेकिन अशरफ साहब हम गए थे उनको ढूंढने, लेकिन अशरफ साहब यहाँ पे जो है नहीं है। तो फिलहाल हमने आपको टंगमर्ग मार्केट पार्क वगैरह एक्सप्लोर करके दिखाया और साथ ही साथ में बाबा ऋषि का जो है मार्केट भी एक्सप्लोर करके दिखाया, गोल मार्केट और उसके साथ साथ अस्तान शरीफ, और साथ ही साथ में हमने जो है आपको मस्जिद शरीफ भी जो है एक्सप्लोर करके दिखाई। तो आज की वीडियो को फिलहाल इतना ही रखते हैं, मुझे लगता है कि वीडियो को ज़्यादा खींचने से वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को फिलहाल इतना ही रखेंगे और मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोज़ पर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दें ताकि अगर आइंदा हम कोई भी वीडियोज़ अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।